हाँ टेक्निकली तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एथिक्स के हिसाब से भी और जो हमारी इकदार है, जो हमारा हमारे घर का स्पेशली जो तरीका है, वो तुम्हारी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हम लोग आज भी अपनी खुशियों से ज़्यादा मुकद्दम अपने बड़ों की खुशियों को रखते हैं। साबर भाई, मैं आपको बहुत सेंसिबल समझती थी, मगर आप इस तरह से रिश्ते तय कर देंगे, मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे। देख रहे हैं अबू, चाची को यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उन्हें हमारी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोग, जिनके सामने हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी इसमें साबिर का कोई कसूर नहीं है, बस हम सबको शमीम भाई ने मजबूर किया। कैसी मजबूरी है ये कि आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले करना चाह रहे? He is an adult. ये अपनी जिंदगी का फैसले खुद कर सकता है। हाँ टेक्निकली तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एथिक्स के हिसाब से भी और जो हमारी इकदार है, जो हमारा हमारे घर का स्पेशली जो तरीका है, वो तुम्हारी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हम लोग आज भी अपनी खुशियों से ज्यादा मुकद्दम अपने बड़ों की खुशियों को रखते हैं। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हमारी क्या ख्वाहिश है। आप लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते शायद, जो कि सिर्फ आपके घर में और आपकी कंट्री में अप्लाई नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। अरे छोड़ें चाची यार, रोटी और बिजली के मसलों से नहीं निकल रहे, ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत दूर है। तुम परेशान मत हो मारिया, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नहीं मारिया, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते, हमें अवेयरनेस है इसके बारे में। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि हमारे यहाँ आज भी अपनी खुशी को छोड़कर दूसरे की खुशी पूरी करने में जो मजा हमें मिलता है ना, उसका कोई मैच नहीं है। बस इसीलिए हमारे छोटे आज भी अपने बड़ों के सामने अपना अपना सर तस्लीम खम करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अम्मा भी, अब्बा मियाँ, शमीम, अगर इस फैसले से ये लोग खुश हैं तो फिर हम भी खुश हैं। That's so strange. देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।